यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में देश की सबसे खूबसूरत और भव्य फिल्म सिटी बनेगी। इस ऐलान के बाद गोरखपुर के सांसद रवि किशन की खुशी का ठिकाना नहीं है, और हो भी क्यों ना, पिछले 18 वर्षों से वो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का सपना साकार होते दिख रहा है। सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महाराज जी ने हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत व भव्य फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर मेरे निवेदन और मेरे लिखे पत्रों का मान रखा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पिछले 18 वर्षों से चल रही लड़ाई को विराम मिला, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री को भी पूर्व में पत्र लिखा था। रोजगार, पर्यटन और भोजपुरी को मिलेगा बढ़ावा। सांसद रवि किशन ने कहा कि यह खुशखबरी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश के हिंदी भाषी कलाकारों के लिए है। सदर सांसद ने कहा कि फिल्म सिटी बनने से फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं के लिए रोजगार जैसे फिल्म टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय, कैमरामैन सहित व्यापक स्तर पर उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे गोरखपुर में रामगढ़ ताल, कुसमी जंगल, तारामंडल, गोरखनाथ मंदिर, गीता वाटिका, राप्ती नदी तट, ये सब फिल्म स्थल के लिए रूप में चयनित किए जा सकते हैं। इसलिए इन जगहों पर भी रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में पर्यटन उद्योग में बहुत तेज़ी से विकास होगा, ये पूरे प्रदेश और देश के लिए गौरव की बात होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा। नमस्कार, हर हर महादेव, मैं हूं रवि किशन शुक्ल, गोरखपुर सांसद। बड़ी खुशी की बात है और एक खुशखबरी है, हम समस्त यूपी बिहार और जितने भी हिंदी भाषी कलाकार हैं पूरे देश में और जो हिंदी सिनेमा से जुड़े हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कि हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी ने एक भव्य भव्य फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिल्म सिटी निर्माण का एक बहुत बड़ी उन्होंने क्या कहते हैं उसको ऐलान किया है। मैं कहूं कि मेरे शब्द नहीं मिल रहे क्योंकि मेरी 17-18 साल से एक ये मेरी इच्छा थी, मेरी एक लड़ाई थी अपनी भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जगह पर, अपनी धरती पर, जहां पर हमारे बच्चे काम करें। तो ये बहुत खुशी का पल है और फिल्म सिटी महाराज जी ने बोला है कि भव्य बनेगी शायद हिंदुस्तान की सबसे सुंदर फिल्म सिटी, हिंदुस्तान भारत की सबसे सुंदर फिल्म सिटी। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद महाराज जी, आपने मेरे निवेदन को, मेरे पत्र को और आपने स्वीकारा, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आपने मेरे जैसे न जाने कितने लाखों लाखों लोग जो इस सिनेमा इंडस्ट्री में अनगिनत रूप से रोजगार पाएंगे, अनगिनत रूप से काम पाएंगे, एक सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, कोई आघात, कोई उनको ठेस नहीं पहुंचाएगा, कोई उनको अपमानित नहीं करेगा, उसके लिए आपने फिल्म सिटी की घोषणा की। मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। जय श्री राम।